नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी की केसरी मिठाई। आप देखें काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे सूजी से मिठाई बनके तैयार हुई है। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है, खाने में आपको उतनी ही पसंद आएगी जितनी कि ये देखने में लग रही है। इसे हम आपको काट के भी दिखाएंगे कितनी सॉफ्ट और मुलायम हमारी यहाँ पे मिठाई बनके तैयार हुई है, एकदम दानेदार बनी है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, आप कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैन या कढ़ाई का। और इसमें हम डालेंगे देसी घी 1 चम्मच, बहुत ज़्यादा देसी घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें इस मिठाई में। और हमने 1 चम्मच देसी घी यहाँ पे डाल दिया है। थोड़े से हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट लिए हैं, जो भी आपके पास हों या आपको पसंद हो वो ले सकते हैं, या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन्हें हम कैसा हम गरम कर लेंगे घी में, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अच्छे से गरम होने के बाद हम इन ड्राई फ्रूट को निकाल लेंगे। मिठाई में कोई भी ड्राई फ्रूट डालिए तो उनका टेस्ट अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट खाने में इतने अच्छे लगते हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट आप डालें तो अपने पसंद के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और बस इसे हमने हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इस तरह से हम इसे प्लेट में निकाल कर साइड रखेंगे। कच्चे ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस मिठाई में, पर मैंने इन्हें घी में हल्का सा तल लिया है। अब हमें चाहिए बारीक वाली सूजी, तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप बारीक वाली सूजी ले ली है, और जिसे हमने धीमी आंच में लगातार चलाते हुए हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, धीमी आंच में हम अच्छे से खुशबू आने तक इसे भून लेंगे। सूजी को हमेशा आप धीमी आंच में ही भूनिए, तो उससे जो भी मिठाई हलवा बनाएंगे वो स्वादिष्ट बनेगी। अगर हम तेज आंच में सूजी को भून लेते हैं तो वो देखने में तो अच्छे से भुजी हुई दिखती है, पर उसका टेस्ट एकदम अलग हो जाता है। तो धीमी आंच में अगर आप इस तरह से सेकेंगे सूजी को तो वो टेस्टी बनेगी मिठाई। तो बस हमने इसे इस तरह से भून लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया है। जिस कप से हमने सूजी नापी थी उसी कप से हम 3 कप इसमें पानी डाल देंगे, यानी यहाँ पर मैंने 1/3 कप सूजी ली थी, तो 3/3 कप मैंने पानी डाला है। आपको यहाँ पे पानी को डबल डालना है, जितनी हमारी सूजी है उससे डबल। पानी को हल्का सा हम गर्म होने देते हैं, और पानी हल्का सा इस तरह से गर्म हो गया है तो जो सूजी हमने भून के रखी थी इसे डाल देते हैं, और अच्छे से हम इस गर्म पानी में मिक्स कर लेते हैं इसे, और इसे थोड़ा सा हम थिक होने तक पका लेते हैं। इस तरह से चलाते हुए हम इसे हल्का सा थिक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि सूजी भी हमारी गर्म है और पानी भी गर्म है। और इस तरह से जब ये गाढ़ी हो जाएगी, पकी हुई इस तरह से बबल्स दिखेंगे, तब हम इसे थोड़ा सा चलाकर और थिक कर देंगे। और देखें ये काफ़ी थिक हो गई है। इस समय हम आँच को बिल्कुल धीमे पर रख लेंगे, जितना धीमा आप कर सकें। और बस अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप सूजी में 1/2 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। इसकी मिठाई थोड़ा सा मीठी ही अच्छी लगती है, तो आप भी 1/3 कप सूजी में 1/2 कप चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करें, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम कर सकते हैं। और बस अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, ताकि चीनी अच्छे से पिघल जाए। जब चीनी अच्छे से पिघल जाएगा तो इसका अपने आप ही कलर देखें कितना बढ़िया चेंज हो जाएगा। इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा, और अब हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। तो इस तरह से हम इसे चला देंगे, और अब हमने थोड़े से केसर को दूध में भिगो के रखे थे और इसे डाल दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे केसरी मिठाई बना रहे हैं इसलिए हमने केसर का इस्तेमाल किया है। अगर आप केसर नहीं डालना चाहते हैं तो इस जगह आप इलायची का पाउडर डालें,
और फ्रूट कलर भी डाल सकते हैं, या फिर चीनी डालने से ही इसका कलर अपने आप ही कुछ चेंज हो जाता है, तो उस तरीके से भी आप इसे बना सकते हो। और जो ड्राई फ्रूट हमने रखे थे अब हमने इसमें मिला दिए हैं। थोड़ा सा लास्ट में हम घी डाल देंगे आधे चम्मच के करीब, और एक चम्मच घी से ही हमारा स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार हो गया है। आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे से ये पक गया है, एक डो की तरह सिमट रही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे छोटी साइज की कटोरी ली है, आप चाहें तो कोई बड़े साइज की कटोरी लेके भी इसे सेट कर सकते हैं और पीसेस में कट कर सकते हैं, पर मैंने छोटी छोटी कटोरी ली है ताकि मिठाई देखने में काफ़ी सुंदर लगे। और इस तरह से हम इसे इस डाल देंगे कटोरियों के अंदर सेट होने के लिए। सारी कटोरियों में हमें इस तरह से इसे फिल कर देना है और हाथों से इस तरह से दबा के अच्छे से सेट कर देंगे। और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसे सेट होने में। और 5 से 10 मिनट बाद हम इस मिठाई को निकाल लेंगे और देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पे निकल के तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी की निकाल लेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो चम्मच का पीछे वाली साइड से इस तरह से निकालते जाइएगा, बहुत ही इजीली निकल के तैयार होगी। और हमारी मिठाई बनके तैयार है। मिलते हैं इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।